कोई केस नहीं ले रहा। तुम मेकअप 4 किलो का लगा के ये मैडम रोज उठे नींद से उठ के आके कंप्लेंट करती है। साजिद खान के ऊपर भी शर्लिन चोपड़ा बहुत सारे एलिगेशंस लगा रही है। पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरा कोई केस नहीं ले रहा। साजिद खान बहुत कसूरवार है लेकिन एक भी पुलिस वाला केस नहीं ले रहा। क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है, जब उसने कोई उसके खिलाफ कोई आया ही नहीं पुलिस स्टेशन में, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, कोर्ट ने उसको सजाए फांसी या काला पानी की साजिद खान को सजा ही नहीं दी। तुम मेकअप 4 किलो का लगा के साड़ी पहन के मीडिया के सामने जाके दूसरों पे दोष लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चिल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाते तुम? किसी पे दोष लगाने से पहले 10 बार सोचो। ये मीडिया है, दूध का दूध पानी की पानी कर देगी। अब पुलिस को भी पता चला कि केस में दम ही नहीं है। ये मैडम रोज उठे नींद से उठ के आके कंप्लेंट करती है, कभी मेरे भाई राज कुंद्रा के लिए, कभी मेरे भाई साजिद खान के लिए। क्या है इसको प्रॉब्लम? आप बताओ क्या प्रॉब्लम है इसकी? अभी थोड़ा हम 6 महीने रुको, अभी किसी और का केस लेकर आएगी। अरे बहन तुम तो अभी साड़ी पहनना अभी सीखी हो ना, तुम तुम्हारा देखो तो सही, तुमने क्या क्या पहनकर प्लेट में खुद लेकर गई हो कि खाओ मुझे। ये गलत बात है ना, पहले खुद तो सुधरो फिर दूसरों को सुधारने बैठो। चलो देखो इन लड़कियों की वजह से ना किसी के साथ सचमुच भी हो जाएगा ना तो दुनिया यकीन नहीं करेगी। ये बहुत गलत बात है। मुझे बहुत उसको रोना इस बात इसलिए नहीं आया, उसको ऐसा लगा आया जो लड़की आप कह रहे हो जिसका नाम ले रहे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं लेना है। ये हर 6 महीने में जाती है किसी पर रेप का केस लगाती है, यह गलत है। साजिद खान एक अच्छे एक्टर है, एक अच्छी बहन फराह खान के भाई है, इस देश के नागरिक है। सिर्फ इस दुनिया में साजिद खान नहीं जिसके हाथों से कभी कोई गलत काम हुआ होगा, बहुत सारे लोग हैं, वो तो खुले घूम रहे हैं। तुम लोग साजिद खान के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि वो सुपरस्टार बन गया अभी बिग बॉस में। ऐसे ही होता है, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं ना लेते हैं। अब तक साजिद खान बिग बॉस में नहीं गया था तो सब चुपचाप बैठे थे। ये गलत बात है ना भाई, अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा हो या ना हो राखी सावंत हमेशा रहती है खड़ी, और खड़ी खड़ी ऐसी कोई भी लड़कियां हैं। ये तो टुच्छियां हैं, सब टुच्छियां। इन्होंने क्या किया, इनका बैकग्राउंड देखो यूट्यूब में जाके, कैसे गंदे गंदे कपड़े बगैर कपड़ों के इन्होंने ने क्या क्या किया है। गलत बात है, मुझे तो किसी के लिए बोलना ही नहीं है। मैं खुद डर जा रहा हूं राखी का रूप देख। हाँ रूप देखो मेरा। हाँ क्योंकि मुझे अन्याय है ना, जी और जीने दो। देखो जी और जीने दो, कोई इंसान स्टार बन रहा है, आपस बॉलीवुड में काम कर रहा है, काम करने दो उसे, यू नो। आपका करियर नहीं बन रहा तो आप रो रही हो, आपको पुलिस स्टेशन में केस नहीं है बन रहा तो आप रो रही हो मीडिया में आके चिक चिक के, और मेरे सलमान भाई का नाम ले रही है। सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर, सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर। तेरे सड़े हुए मुंह से सलमान खान का नाम भी मत ले, समझे ना। मेरे को मिले ना ऐसा फोड़ के तो छोड़ो, ऐसा उल्टा लटका दूंगी ये नींबू के पेड़ पे। हाँ, हो गया क्या? देखे मीडिया, देखे अभी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, वो तो बहुत धमाकेदार है। वो तो एक बैटल है, वो तो एक गेम है, उसमें तो देखने का मजा आता है ना। लेकिन दुबई में हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले मिलके रहते हैं, कभी हिंदुस्तानी को तकलीफ हुई ना उधर पहले इंडिया से कोई नहीं भागता है, दुबई में पाकिस्तानी पहले भाग के जाता है और उसको पानी पिलाता है और उसको तकलीफ को यू नो समझता है।